क्वेश्चन नंबर 8, दिस क्वेश्चन इज ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इन अ सर्टन केमिकल रिएक्शन ए कंपाउंड ए इज फॉर्म्ड फ्रॉम अ कंपाउंड बी। द मैसेज ऑफ ए एंड बी एट टाइम टी आफ्टर द स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन आर एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली। X is the mass of compound A and Y is the mass of compound B. And the sum of the masses is equal to 50 throughout the reaction. At any time, the rate of increase of the mass of A is proportional to the mass of B at that time. Part first of this question is explain why dx over dt is equal to k into 50 minus x, where k is a constant. Compound A is formed from compound B. Let this is compound B. This is compound A. Compound A is formed from compound B. And the mass of A and B are X and Y. Mass of compound A is X. Mass of compound B is Y, and sum of the masses is equal to 50 throughout the reaction. This means that X plus Y is equal to 50. X plus Y is equal to 50. And rate of increase of mass A is X. Rate of increase of mass A is proportional to the mass of B. Mass of B is Y. Rate of increase of mass A is, we can write dx over dt. This is called the rate of increase of mass A. Is proportional to mass of B. Mass of B is Y. So dx over dt is proportional to Y. So यहां से dx over dt जो है ये आपके पास आ जाएगा. Proportionality sign खत्म करने के लिए हम proportionality constant लगाते हैं k into Y. अब हमें ये show करना है. Right पे देखें, terms में Y नहीं है, सिर्फ x है. तो हम y को यहां से सब्जेक्ट बना लेते हैं. y इज इक्वल टू 50 माइनस x. इन प्लेस ऑफ y वी कैन पुट हियर 50 माइनस x. तो दिस शोज दैट dx ओवर dt इज इक्वल टू k इंटू y की जगह पे हम 50 माइनस x पुट कर देंगे. 50 माइनस x ये शो हो गया है. दिस इज एक्सप्लेनेशन कि dx ओवर dt k इंटू 50 माइनस x कैसे आता है. तो dx ओवर dt इज इक्वल टू k इंटू 50 माइनस x, ये हमने शो कर दिया है. पार्ट सेकंड ऑफ दिस क्वेश्चन, इट इज गिवन दैट x is equal to 0 when t is equal to 0. T is time. जब टाइम जीरो है तो x is equal to, x क्या है, मैस ऑफ a. When x is equal to 0, t is equal to 0. And second condition is x is equal to 25 when t is equal to 10. These are initial conditions. Solve the differential equation in part 1. Part 1 में differential equation ये है, इसको हमने solve करना है.
and express x in terms of t. इस डिफरेंशियल इक्वेशन को जो पार्ट वन में हमने फाइंड की है इसको हमने सॉल्व करना है. डिफरेंशियल इक्वेशन इज डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल टू के इंटू 50 माइनस एक्स. डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब कि आपने इस डिफरेंशियल को रिमूव करना है. दिस इज द डिफरेंशियल इन द क्वेश्चन, इसको हमने रिमूव करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला स्टेप होता है कि आपने सेपरेट करना है वेरिएबल को. यहां पे दो वेरिएबल्स आ रहे हैं एक्स और टी. डी एक्स को अटैच करना है एक्स वाली टर्म्स के साथ और डी टी को एडजस्ट करना है टी वाली टर्म्स के साथ. तो वाई क्रॉस मल्टीप्लाइंग वी कैन राइट डी एक्स, डी एक्स के नीचे 50 माइनस एक्स आ जाएगा. डी एक्स बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग ये जो टर्म है 50 माइनस एक्स यहां पे आ जाएगी 50 माइनस एक्स. राइट साइड पे के है और डी टी जो है क्रॉस मल्टीप्लाइंग प्रोसेस से यहां पे आ जाएगा डी टी. ये पहला स्टेप है. देखिए लेफ्ट पे डी एक्स के साथ एक्स वाली टर्म है और यहां पे राइट पे टी वाली टर्म नहीं है तो हमने उसको एक कांस्टेंट के साथ लिख दिया है. अब दूसरा स्टेप ये होता है कि दोनों तरफ आपने इंटीग्रेट कर देना है विद रिस्पेक्ट टू द करस्पॉन्डिंग वेरिएबल. करस्पॉन्डिंग वेरिएबल मीन लेफ्ट साइड को आपने विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट करना है, राइट साइड को आपने विद रिस्पेक्ट टू टी करना है इंटीग्रेट. तो यहां पे लेफ्ट साइड पे यहां पे देखें लीनियर फैक्टर है डिनोमिनेटर में, यहां पे लॉग यूज होगा. लॉग इसकी इंटीग्रेशन होगी लॉग 50 माइनस एक्स. अब हम 50 माइनस एक्स का डेरिवेटिव लेंगे दैट इज माइनस वन, क्योंकि कोफिशियंट ऑफ एक्स इज माइनस वन. तो माइनस वन जो है वो डिनोमिनेटर में लिख देंगे. राइट को राइट में वो के वो बाहर ले लेते हैं, कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट है, मल्टीपल है. यहां पे वन रह जाएगा, वन को करना है विद रिस्पेक्ट टू टी. विद रिस्पेक्ट टू टी वन को इंटीग्रेट करेंगे यहां टी आ जाएगी इसकी इंटीग्रेशन. तो राइट पे आएगा लेफ्ट पे आएगा माइनस लॉग 50 माइनस एक्स. राइट पे आएगा के इंटू टी प्लस सी. ये सी जो होता है ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है और ये हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल साइड पे होता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. लेट दिस इज इसको इस इक्वेशन को हम ए से रिप्रेजेंट कर लेते हैं फॉर रेफरेंस. अब हमने यहाँ पे के और सी की वैल्यूज भी फाइंड करनी है. के और सी की वैल्यूज फाइंड करनी है. पहले हम और फिर एक्सप्रेस करना है एक्स को इन टर्म्स ऑफ टी. यहाँ पे इनिशियल कंडीशंस दी हुई हैं, ये देखें यहाँ पे x इज इक्वल टू जीरो क्वेश्चन के स्टार्ट में x इज इक्वल टू जीरो व्हेन t इज इक्वल टू जीरो. ये एक इनिशियल कंडीशन है. दूसरी इनिशियल कंडीशन है x इज इक्वल टू 25 है व्हेन t इज इक्वल टू 10. ये दोनों इनिशियल कंडीशन यहाँ पुट करेंगे हम तो इस इक्वेशन में हमने x को पहले ये इनिशियल कंडीशन x जीरो t जीरो तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस लॉग ये एक्स जीरो हो गया तो 50 आ जाएगा. माइनस लॉग 50 माइनस लॉग 50 इज इक्वल टू यहां पे टी की वैल्यू जीरो है ये जीरो हो जाएगी टर्म तो सी आ जाएगा. तो सी की वैल्यू हमारे पास आई है माइनस लॉग 50. अब सी की वैल्यू जो है हम करेंगे पुट. दूसरी भी इनिशियल कंडीशंस जो है वो हम यूज करके एक और इक्वेशन बन जाएगी. ये सी की वैल्यू अभी हमारे पास आई है. अब एक्स इज इक्वल टू 25 और टी इज इक्वल टू 10 फिर वो इसी इक्वेशन ए में पुट कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस लॉग 50 माइनस एक्स यहाँ पे 25 है टी 10 है. 50 माइनस 25 इज इक्वल टू 10 के
प्लस सी। अब सी की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है माइनस लॉग 50, यहाँ पुट कर देंगे तो ये बन जाएगा माइनस लॉग 25 इज इक्वल टू 10 के माइनस, सी की वैल्यू पुट करेंगे माइनस लॉग 50, तो यहां से हम के की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ये लॉग वाली टर्म्स जो है इनको एक साइड पे ले आए, लॉग 50 माइनस लॉग 25 इज इक्वल टू 10 के, ये देखें यहां लॉग प्रॉपर्टी लग जाएगी लॉग 50 माइनस लॉग 25, तो इसको हम डिवीजन में, एक क्योंकि सब्ट्रैक्शन विल बी कन्वर्टेड इनटू डिवीजन, तो सो हम इसको लिख सकते हैं लॉग 50 लॉग 50 ओवर 25 इज इक्वल टू 10 के, तो ये कैंसिल आउट, 2 पे कैंसिल हो जाएगा, ये 25 टू 50, तो वी गेट लॉग 2 इज इक्वल टू 10 के, लॉग 2 इज इक्वल टू 10 के, यहां से के की वैल्यू आ जाएगी 1 ओवर 10 लॉग 2। अब हमारे पास वैल्यू सी की भी आ गई है और यहां पे के की वैल्यू भी आ गई है, ये के और सी की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर ए में पुट कर देंगे, तो सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर ए, फ्रॉम इक्वेशन ए, इक्वेशन ए में ये दोनों वैल्यूज पुट कर रहे हैं हम, माइनस लॉग 50 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर 10 लॉग 2 इंटू टी माइनस लॉग 50, ये हमने के और सी की वैल्यूज, के और टी की वैल्यूज जो है सॉरी के और सी की वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दी है इस इक्वेशन में, इक्वेशन ए में ये सी की वैल्यू और ये के की वैल्यू है, यहाँ पुट करके ये आ जाता है। अब ये देखें तीनों टर्म्स हमारे पास लॉग में है, तो यहाँ भी लॉग प्रॉपर्टी यूज हो जाएगी, तो इसको लॉग 50 को हम राइट पे ले आते हैं तो इसका साइन प्लस में आ जाएगा, तो सो वी कैन राइट लॉग 50 माइनस लॉग 50 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर 10 लॉग 2 इंटू टी। अब हम लेफ्ट पे, लेफ्ट साइड पे फिर लॉग प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहां सब्ट्रैक्शन हो रही है तो इसको डिवीजन में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वी कैन राइट लॉग 50 ओवर 50 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर 10 लॉग 2 इंटू टी। अब हम कैलकुलेटर से 1 ओवर 10 इंटू लॉग 2 इसको कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये इसकी वैल्यू डेसिमल में लिख लेते हैं, तो दिस बिकम्स लॉग 50 ओवर 50 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर 10 लॉग 2 की वैल्यू होती है 0.0693 और साथ टी है। अब हम एंटी लॉग प्रोसेस से ये एल एन रिमूव कर सकते हैं, यहाँ बेस ही है ई की पावर दिस इज इक्वल टू दिस फ्रैक्शन, तो ये आ जाएगा 50 ओवर 50 माइनस एक्स इज इक्वल टू ई पावर 0.0693 टी। अब एक्चुअली हमने एक्स को सब्जेक्ट बनाना है, एक्स को सब्जेक्ट बनाना है तो हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं दोनों साइड से, ताकि ये एक्स वाली टर्म जो है वो न्यूमेरेटर में आ जाए, तो टेकिंग रेसिप्रोकल ऑफ ईच साइड वी गेट, वी कैन राइट 50 माइनस एक्स
ओवर 50 इज इक्वल टू ई पावर, सॉरी ये 1 ओवर में आ जाएगा, ये भी 1 ओवर ई पावर 0.0693 टी। अब 50 माइनस बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग 50 माइनस एक्स जो है ये 50 इधर आ जाएगा, 50 ओवर ई पावर 0.0693 टी। तो अब इसको हम न्यूमरेटर में ले जाते हैं तो ये इसकी पावर का साइन जो है नेगेटिव हो जाएगा। 50 माइनस एक्स इज इक्वल टू 50 इंटू ई पावर नेगेटिव 0.0693 टी। यहां से हम एक्स को सब्जेक्ट बना सकते हैं, एक्स विल बी 50 माइनस 50 इंटू ई पावर नेगेटिव 0.0693 टी। अब यहां से 50 दोनों टर्म्स में कॉमन है तो 50 को हम कॉमन ले सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू 50 इंटू 1 माइनस ई पावर नेगेटिव 0.0693 टी। दिस इज द फाइनल आंसर।